लखीमपुर में दो सगी बहनों की मौत का मामला, हिंदू जागरण मंच ने दिया ज्ञापन। आरोपी पर रास्कवा व गैंगस्टर की होगी कार्रवाई। आरोपियों के अवैध संपत्ति और घर की जांच। जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह को सौंपा ज्ञापन। लखीमपुर में दो सगी बहन की मौत का है मामला, हिंदू जागरण मंच ने दिया ज्ञापन। आरोपियों पर रासुका व गैंगस्टर की हो कार्रवाई। और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज जुड़े हैं। धीरज, लखीमपुर के केस को लेकर आरोपियों के प्रति ज्ञापन सौंपा गया है। जी देखिए, बिल्कुल बता दूं, लखीमपुर के निघासन थाना क्षेत्र का दो दिन पहले दो सगी बहनों के रेप के बाद में हत्या का मामला प्रकाश में आया था। उसके बाद में जो विपक्ष की पार्टियां भी बराबर तंज पे तंज सरकार पर कसती हुई, आज वहीं पर जो हिंदू जागरण मंच के लोग हैं वो पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट में और डीएम को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में कई मांगे की उन लोगों ने की है, ज्ञापन दिया गया, बाकायदा ज्ञापन को जिलाधिकारी ने लिया है। उसके बाद में जो हिंदू संगठन की मांगे हैं, आरोपियों पर रासुका और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, वही आरोपियों के अवैध संपत्ति पर की घर की भी जांच कर होनी चाहिए और जिला जिस तरीके से मांगे की गई है बाकायदा उनको सजा होनी चाहिए, फांसी दी जानी चाहिए। तो ऐसी अन्य भी संगठन के लोग आज पहुंच सकते हैं जिला अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए इसी मामले को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धीरज। श्रावस्ती में आज बच्चों के लिए पार्षदीय स्कूल रहेंगे बंद, बीएसएस अमिता सिंह ने जारी किया आदेश। तीन दिन से हो रही बारिश के चलते लिया गया निर्णय। भारी बारिश के कारण राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर। राप्ती बैराज पर खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर हुआ जलस्तर। बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर तटवर्ती इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। और इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, आज बच्चों के लिए परिषदीय स्कूल बंद किया गया है राप्ती के बढ़ते जलस्तर को देखकर, और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल नंदिनी, आपको बता दें कि तीन दिन से श्रावस्ती जनपद में लगातार बारिश हो रही है, जिसको देखते हुए बीएसए अमिता सिंह ने जो है परिषदीय विद्यालय दो दिन के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि राप्ती बैराज का जलस्तर 10 सेंटीमीटर से ऊपर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, और जिसको लेकर के जो है अलर्ट तटवर्ती इलाकों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लोगों से यह भी कह दिया गया है कि आप जो है उचित स्थानों पर पहुंच जाएं। इसको देखते हुए पूरी तरीके से जो है तटवर्ती इलाकों में जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप।